प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रभु प्राप्ति भवन में सम्मान समर्पण का एक नई ऊर्जा की अनुभूति शिक्षा नगरी के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा मैत्री कुंज स्थित प्रभु प्राप्ति भवन के सभागृह में सम्मान समर्पण का एक नई ऊर्जा की अनुभूति शिक्षा नगरी के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम के वर्मा एवं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, भिलाई सेवा केंद्रों की निर्देशिका ब्रह्म कुमारी आशा दीदी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी प्राची दीदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम के वर्मा ने कहा कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली परिपूर्ण थी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे ज्ञान एवं मेडिटेशन से, जिसमें भावनाएं त्याग समर्पण निहित है, यह आज की शिक्षा प्रणाली के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने ब्रह्म कुमारी संस्था की विश्वव्यापी स्तर पर कर रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था में उच्च शिक्षित ब्रह्म कुमारी बहनें समर्पित होकर न सिर्फ शहरों महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव और दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपनी आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रही हैं। वहीं भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका एवं कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने अपने आशीर्वचन में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य और व्यक्तित्व विकास में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक वह समय है जो जल कर तप कर दूसरों को ज्ञान की रोशनी देता है। परमात्मा सर्वोच्च शिक्षक है। इस अवसर पर सभी शिक्षकों को ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा स्वनिर्मित वैल्यू बेस्ड गिफ्ट एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी रिया दीदी ने किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।